हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन रिलेटेड होंगे फिजिक्स के, तो फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। दो वीडियो अपलोडेड हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है ये? ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, मानव नेत्र एक कैमरे के तरह ही होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश पर्दे जिसमें रेटिना या दृष्टिपटल हम लोग कहते हैं, ठीक है। पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। और यहाँ पर ही प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा और छोटा बनता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं आपके आपके लोग के लिए साइंस, मैथ्स, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, नीला या लाल प्रकाश? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला प्रकाश, ठीक है। लाल नहीं होगा, नीला होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। और प्रकाश तरंग के ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है E=HF, ठीक है। E=HF, जिसमें H क्या होता है? देखिए, जिसमें H होता है प्लांक नियतांक, और F क्या होता है? F होता है तरंग आवृत्ति, ठीक है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट का जो शीशा होता है वो किस तरह का होता है? तो वो होता है नतोदर शीशा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नतोदर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? आपको पता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के बिखरने के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा और कांच? हीरा हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? पीला, बैगनी, हरा और लाल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बैगनी, ठीक है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लाल रंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और बैगनी रंग की सबसे कम होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? बैगनी का बता दे रही हूँ, बैगनी की होती है कितनी? 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और बैगनी की क्या है? यहाँ पर जाएगा 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह किस रंग का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काले रंग का, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाता है
तो गुलाब काला रंग का दिखाई देता है क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश के को आगे जाने देगा, अन्य प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड, तो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसमें? महो में, हेनरी में, लक्स या डेसिबल? देखिए, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, डी इज आवर करेक्ट आंसर। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, और बीच किसके बीच से होती है? 90 से 100 के बीच। ठीक है, नॉर्मली इतनी ही होती है, मगर 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। dB मतलब डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 17 मीटर। 17 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। देखिए, आप लोग के लिए डेली वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और लाइक भी कर दिया करिए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। बहुत से लोग आंसर देते हैं, आप लोग भी, जो लोग नहीं देते वो लोग भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टस, सेलुलॉयड, पनस्पेक या अभ्रक? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। ठीक है, ग्रेफाइट। देखिए, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, यह बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? उद्योग में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। तो डी है हमारे यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? स्वर्ण, अभ्रक, तांबा या चांदी? अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को आपको साथ डिस्कस किया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल या आश्रित जल? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रभावित करने पर धनायन और ऋणायन में टूट कर विद्युत प्रवाह में हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, इसलिए समुद्र जल उपयुक्त सभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है ध्रुव, हर्षा, अप्सरा या विपुला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज अप्सरा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जिसका प्रारंभ अगस्त 1956 में मुंबई के पास में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। ठीक है, बार्क में हुआ था, और यह है टांबरे में। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में, टांबरे में है। इस रिएक्टर के डिज़ाइन किसने किया है? प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार किया था। ठीक है, और ये पूरी तरह भारतीय इंजीनियर के सहयोग से निर्मित किया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, अप्सरा, कामनी, उर्वशी या रोहिणी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1956 में, कहाँ पे? टांबरे में। कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, और रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं? BARC। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन,
मुक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे अधिक निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग या आयाम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द क्वेश्चन इज, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश का चाल का वेग भी इतना हो गया 3.3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रेडियो तरंग का भी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो क्वेश्चन है, FM प्रसारण बैंड किसके बीच में होता है? रेंज बताना है। ठीक है, VHF रेंज, UHF रेंज, HF रेंज या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा VHF, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। FM प्रसारण बैंड VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के एग्जाम ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।